आज सुहागपुर विधानसभा के विधायक ठाकुर विजयपाल सिंह ने कोरोना बीमारी से जीतकर वापस सुहागपुर में बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का भ्रमण किया, लोगों को राशन वितरण किया और उनकी समस्याएं सुनी और तुरंत समाधान के लिए सभी विभागीय अधिकारी साथ में रहे। और उन्होंने खबर भारतवर्ष को बताया कि वो किस तरह लोगों को आगामी समय में भी सहयोग करेंगे। मंडल अध्यक्ष ललित पटेल, सांसद प्रतिनिधि जालम सिंह पटेल, जिला उपाध्यक्ष ठाकुर सुरेश पटेल, केशव जाजू विधायक प्रतिनिधि, गोविंद मेहरा मंडल महामंत्री, अवधेश ठाकुर भाजपा नेता, जिला उपाध्यक्ष किसान मोर्चा भरत पटेल, रामबाबू पटेल एवं अन्य भाजपा कार्यकर्ता साथ रहे। मर ना जाए ये काम हमारी सरकार आपकी सरकार कर रही है मित्रों, इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि बीमारी हमारे पास नहीं आएगी, हमारे गांव में नहीं आएगी, हमको नहीं लगेगी, ये बीमारी दिख नहीं रही जो हमने हमारे 15 साल के कार्यकाल में और मेरे 10 साल के कार्यकाल में, और जो काम पिछड़ गया और उसके कारण सरकार दिल्ली की भी और प्रदेश की भी, आपको पता है कि कोरोना में जो बीमार हो रहा और कि विधायक जी पॉजिटिव आ गए और हम उनके साथ कल बैठे थे, तो हमको भी क्वारंटाइन होना पड़ेगा, तो क्वारंटाइन होने के बाद में भी बाढ़ से संघर्ष किया और आप सबकी मदद की, इसलिए उन सबके लिए आप ताली बजाकर उनका अभिनंदन करते हैं। मैं भी अपनी बात कह दूं, त्राईमाम मची 15 महीने की सरकार थी और त्राईमाम कर गई, क्योंकि 15 महीने में कभी कोई पलट के नहीं देगा किसी कांग्रेस के नेता ने। प्रधानमंत्री आवास अगर आए तो प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण आए। मान लो पूरा गांव के बाहर पानी नहीं होने दिया और बन्ने बड़ी कठिन परिस्थिति में किसी भी तरह गांव की बिजली चालू की, उन्होंने बहुत मदद की, अपेक्षा से अधिक मदद की, लेकिन 3-4 बजे तक कोशिश की हम सब ने एक दूसरे से मिलने की, सहयोग बस पूरा गाँव गिर गया और बाछा पूरे उससे कट गया। जी भैया, कोई ना कोई आएगा ना खुद आपसे। जी जी ठीक है जी, आपके मकान का सर्वे हो, मकान में कोई नुकसान हुआ है उसका पैसा मिलेगा जी, उनकी फसलों का नुकसान हुआ उनकी सबकी फसलों की जांच होगी पटन साहब जी, है ना, कोई सर्वे में दिखवा लेना, कोई छूटे नहीं, एक ज्यादा लिखा जाए दिक्कत नहीं है, लेकिन छूटना नहीं चाहिए, आप लोगों की ड्यूटी है। नमस्कार, हम उपस्थित हैं हमारे सुहागपुर विधानसभा के MLA विधायक ठाकुर विजयपाल सिंह जी के साथ। आज भी निरंतर बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं और वहां की जानकारी ले रहे हैं, अपडेट रह रहे हैं और लोगों को जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनको सहायता कर रहे हैं, तो हम उनसे जानेंगे किस प्रकार से सहायता कर रहे हैं। देखिए कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में विशेष रूप से फरियाबाद जिला, रायसेन जिला, सीहोर जिला और हरदा जिला बाढ़ प्रभावित था, इसमें माननीय मुख्यमंत्री स्वयं आए थे, बाबई आए और उन्होंने एक एक किसान का, गरीब का दुख दर्द देखा और तत्काल उन्हें राहत देने का काम किया, जिनके मकान डूबे उनको 50 किलो अनाज देने का काम कर रहे हैं, मकान में कोई क्षति हुई तो मकान की क्षतिपूर्ति करने का काम करेंगे, फसलों का कोई नुकसान हुआ है, और खुशी की बात यह है कि जब हम सारे विधायकों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि होशंगाबाद जिला बाढ़ आपदा घोषित किया जाए, तो उन्होंने बाढ़ आपदा घोषित जिला भी किया है जिससे गरीबों को राहत मिल सके। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि 15 महीने की सरकार ने गरीबों के साथ छलावा किया था, गरीबों के साथ कोई काम नहीं किए थे, गरीबों के संबल कार्ड बंद कर दिए थे, आज घटना दुर्घटना में लोगों की जिनकी मृत्यु हो रही थी उनको पैसा नहीं मिल पाता था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस योजना को लागू करके और फिर गरीबों को उस योजना का लाभ दिलाने का काम किया। हमारे संपूर्ण प्रशासन ने इसमें गंभीरतापूर्वक काम किया है, मैं तो उनको साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि मैं कोविड होने के कारण अस्पताल में भर्ती था, उसके बाद भी निरंतर प्रशासन ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने निभाई, इसलिए उनको भी धन्यवाद दूंगा। तो वर्तमान में आपसे जानना चाहेंगे कि वर्तमान में अभी कितने क्या सहायता दी जा रही है? अभी सभी करीब करीब 50 से 60 लोगों को, क्या सरपंच साहब, 60 लोगों को अनाज दे चुके हैं, जो बाढ़ प्रभावित मकान गिरे हैं टूटे हैं उनको सहायता राशि पुनः दी जाएगी, जो फसलें नुकसान हुआ है उनका सर्वे होगा RBC के तहत, उनको भी राशि देने का काम करेंगे और बीमा जिनका जी जी, जैसे कि अभी वर्तमान में हम देख रहे हैं कि राशन वितरित हो रहा है, फसल का बीमा हो रहा है, भविष्य में और अगर और क्या सहायता प्रदान की जा सकती है, क्या योजना है? किसान उन्नत हो, किसान प्रगति पर चले और गरीब प्रगति पर हो, उसकी व्यवस्था बने, उसके लिए हम सब लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पहली बात है कि कोरोना की महामारी से हम सब लोग। तो नमस्कार, आपका धन्यवाद। आपने देखा कि हमने जाना विधायक जी हमारे सुहागपुर विधानसभा के क्षेत्र के विधायक किस प्रकार से लोगों की सहायता कर रहे हैं, उनको अपडेट कर रहे हैं, लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि निरंतर कोविड से जो सुरक्षा है
जो शासन प्रशासन ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने निवेदन किया है पूरे देश से, वो उस प्रकार से उसकी उसका नियम से पालन करें और बाढ़ पीड़ित जो क्षेत्र हैं वे निरंतर अपडेट हैं, लोगों को सहायता पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और भविष्य में भी उन्होंने बताया कि हम काफ़ी योजनाएं आपके लिए लेके आएंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू। खबर भारत वर्ष के लिए सोहागपुर से रूपेश मेहरा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।